नमस्कार सभी को, मैं मत्तु केवट, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से विलोम शब्द का परिचय कराने वाला हूं। इसके पहले वाले भी वीडियो में मैंने विलोम शब्द को बारे में आपको जानकारी दी है, और एक बार फिर से आप देखिए कि विलोम शब्दों का परिचय। विलोम शब्द, इसे अंग्रेजी में एंटोनिम्स कहते हैं, विरुद्धार्थी शब्द भी इन्हें कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं। जैसे देखिए एंटोनिम्स की स्पेलिंग देखिए बच्चों, ANTONYMS। फिर से देखिए ANTONYMS। एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द जिन्हें हम कहते हैं कि किसी शब्द के विपरीत या उल्टा शब्द जैसे लिखा गया है, और इसको अंग्रेजी में अपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं। OPPOSITE अपोजिट क्या हो गया, ये हो गया अपोजिट वर्ड्स, WORDS वर्ड्स अर्थात शब्द। तो इस वीडियो के माध्यम से हम विरुद्धार्थी शब्दों का परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बारे में समझेंगे, जिन्हें अंग्रेजी में एंटोनिम्स कहते हैं या अपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं। तो आइए लीजिए देखिए अंग्रेजी के विलोम शब्द किस तरह से हैं, जिसे हम अपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं, एंटोनिम्स भी कहते हैं। तो आइए लीजिए अंग्रेजी के कुछ शब्दों का मैंने यहाँ लेखन किया है और इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूं। जैसे गो का अपोजिट वर्ड्स कम होगा, गो का अपोजिट वर्ड कम, गो कम। गिव का अपोजिट वर्ड टेक होगा, गो मतलब जाना होता है और कम मतलब आना होता है। गिव का अपोजिट वर्ड टेक होगा। आस्क का अपोजिट वर्ड टेल होगा, और आस्क का दूसरा अपोजिट वर्ड आंसर भी होता है पुश का अपोजिट वर्ड पुल होगा, पुश अर्थात धक्का देना, पुल अर्थात खींचना होता है। इसके बाद थ्रो अगला शब्द है, देखिए थ्रो मतलब फेंकना, और थ्रो का अपोजिट वर्ड कैच होगा, कैच अर्थात पकड़ना। लिटिल का अपोजिट वर्ड्स लिटिल अर्थात छोटा होता है, और इसका अपोजिट वर्ड बिग होगा, बिग अर्थात बड़ा। डिफरेंट अर्थात भिन्न, डिफरेंट का अपोजिट वर्ड सेम होगा। सैड अर्थात दुख होता है, दुखी, और इसका ग्लैड होगा अपोजिट वर्ड, सैड ग्लैड। सैड का हैप्पी भी होता है। गुड का अपोजिट वर्ड्स बैड होगा। तो लीजिए एक बार इसका और मैं आपको वाचन करके बता रहा हूं। गो ये अपोजिट वर्ड्स है, गो कम, गिव टेक, आस्क टेल, आस्क आंसर, पुश पुल, थ्रो कैच, लिटिल बिग, डिफरेंट सेम, सैड ग्लैड, सैड हैप्पी, गुड बैड। तो एंटोनिम्स में आगे हम देखते हैं कि और कौन से अपोजिट वर्ड्स हैं। तो देखिए कुछ और शब्द है जिनका वाचन मैं करके दिखा रहा हूं आपको। क्लीन का डर्टी होता है, क्लीन अर्थात स्वच्छ, डर्टी अर्थात गंदा होता है। क्लीन का और एक दूसरा अपोजिट वर्ड्स अनक्लीन भी होता है। नाउ का दैन, अफ डाउन, अप अर्थात ऊपर, डाउन अर्थात नीचे। इनसाइड का विरुद्धार्थी शब्द आउटसाइड होता है, इनसाइड आउटसाइड। राइट का रॉन्ग। स्लोली का विरुद्धार्थी शब्द फास्ट होता है, और दूसरा भी देखिए स्लोली का विरुद्धार्थी शब्द क्यूकली होता है। ओरल अर्थात मौखिक, और
ओरल का वृद्धार्थी शब्द रिटेन होता है, बॉय बॉय का गर्ल होता है। तो इस तरह से देखिए ये वृद्धार्थी शब्द हैं, इनका एक बार फिर से मैं अब वाचन करके बता रहा हूँ। क्लीन डर्टी ये अपोजिट वर्ड्स हैं या एंटोनिम शब्द हैं, वृद्धार्थी शब्द हैं और इनका मैं वाचन आपको करके बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप अपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स का परिचय प्राप्त करिए। क्लीन डर्टी, क्लीन अनक्लीन, नाउ देन, अप डाउन, इनसाइड आउटसाइड, राइट रॉन्ग, स्लोली फास्ट, स्लोली क्विकली, ओरल रिटन, बॉय गर्ल। तो इस तरह से बच्चों ये इस वीडियो के माध्यम से आप अपोजिट वर्ड्स और एंटोनिम्स विरुद्धार्थी शब्दों का परिचय प्राप्त करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।